पास्ता, लहसुन, लाल मिर्चें, शिमला मिर्च, साबुत मिर्च, गाजर, बटर, सॉल्ट, ओरिगैनो लीव्स, कुटी लाल मिर्चें। यह है क्रीम आधा प्याली, यह है टमाटो केचप आधा प्याली। मैक्रोनी उबालने के लिए यह पानी डाल रहे हैं। यह है नमक थोड़ा सा, मैक्रोनी उबालने के लिए नमक ज़रूर डालना चाहिए। यह ऐड कर रहे हैं हम पास्ता। अब इसको हिलाएंगे और इसको बॉयल करेंगे। ये देखिए ये पास्ता बॉयल हो गया है अभी अभी। हमें थोड़ा सा मक्खन चाहिए वेजिटेबल फ्राई करने के लिए। ओके, अब वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। पहले गाजर डालेंगे, उसके बाद शिमला मिर्च। अब इन वेजिटेबल को फ्राई करेंगे हल्का सा बिल्कुल। अब इसको हम निकाल रहे हैं फ्राई करके। वेजिटेबल निकाल रहे हैं फ्राई करके। उसी बटर में अब लहसुन डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। लहसुन हो गया फ्राई, अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चें चॉप, साथ ही ये कुटी लाल मिर्ची और नमक डाल देंगे। ये हम टमाटो केचप डाल रहे हैं बीच में। आधी प्याली क्रीम। अब हमने ये टमाटो केचप और क्रीम डाल दिए, इसको पका रहे हैं थोड़ा सा। अब वेजिटेबल्स डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। पास्ता ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे पास्ता डाल के। बस समझिए आप रेडी है ये पास्ता। मुझे टमाटो केचप थोड़ी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा ऐड करूंगी। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चटपटा पास्ता टमाटो केचप का तैयार है। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। सॉरी, ये ओरिगैनो लीव्स मैं भूल गई थी, ये भी डालना है लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे, सबसे लास्ट पे। इसको डाल के बस थोड़ा सा पका के खा लेना आपने। ऐसे ऊपर ऐसे। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये पास्ता कैसा बना है। बहुत टेस्टी पास्ता है, मैंने ट्राई किया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।